हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल उल्टा घड़ी। और इस घड़ी पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहसिता, जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड 10 क्लास 10 एंड 12 का रिजल्ट आने वाले हैं 14 मई 2018 पे। सो गाइस, आप अपना रिजल्ट किस तरह से घर बैठे इजीली देख सकते हैं, कुछ स्टेप, और जब भी रिजल्ट अपडेट कर दिए जाएंगे आपके पास किस तरह से मिलेगा, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और उसके साथ साथ चाहे तो एक सब्सक्राइब। सो गाइस, देख लीजिए। पहले तो आपको जानना पड़ेगा उनका ऑफिशियल वेब पेज को, मीन्स उनका ऑफिशियल वेबसाइट है mpbsc.nic.in। ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। कोई भी ब्राउज़र पे जाके आप ये लिंक, मीन्स mpbsc.nic.in लिखने के बाद एंटर दीजिएगा। उसके साथ साथ इनका जो ऑफिशियल वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ स्टेप मेंटेन करना पड़ेगा, जिस तरह से देखिए हम 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप फॉलो करने के बाद ही आप अपना रिजल्ट जो है पा सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को पूरा के पूरा देखिए, हमारे इस चैनल के थ्रू थोड़ा सा हेल्प आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए, पहले आपको जाना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पर और एक लिंक यहाँ पर मैंने दिया है, जहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं होम पेज को छोड़ के भी, जहाँ से आप रिजल्ट, मीन्स अपना रोल नंबर देखे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और ये लिंक हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, जहाँ से आप इजीली जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद इसका ओपन, मीन्स होम पेज जो है ओपन हो जाएगा। वहाँ पर एमपी बोर्ड का जो, अगर आप 10 क्लास पे है तो 10 का, और 12 का तो 12 पे, कोई भी एक लिंक पे, मीन्स वहाँ पर लिखा आएगा कि 10th रिजल्ट 2018 एमपी बोर्ड करके, ठीक है। वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं अगर आप 10 क्लास पे है तो, अदरवाइज 12 क्लास पे है तो एमपी बोर्ड क्लास 12 रिजल्ट 2018 करके लिखा आएगा। वहाँ से क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको आपका कुछ क्राइटेरिया, मीन्स उन लोगों का, आप जैसे कि अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए इंफॉर्मेशन वगैरह पूछेगा, मीन्स आपको डालना है। वहाँ पर डालने के बाद थोड़ा नीचे देखिएगा, सबमिट बटन है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद ही आप अपना रिजल्ट आपके पास, मीन्स आप जिस डिवाइस से देख रहे हैं वहाँ पर डिस्प्ले होगा, जहाँ से आप रिजल्ट देख सकते हैं। और एक वहाँ से डाउनलोड करने का एंड प्रिंट आउट करने का ऑप्शन भी मिलेगा, जहाँ से आप फ्यूचर के लिए प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 स्टेप मेंटेन करने के बाद ही आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और एक बात कहना चाहूँगी, रिपीट कर रही हूँ, जो कि ये जो लिंक मैंने बताया, हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, जहाँ से आप अपना रिजल्ट देखने के लिए वो उस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करने से ये होम पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और तो चलिए, थोड़ा बहुत देख ही लेती हूँ। ये जो साइड है यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है, देखिए mprizal.nic.in करने के बाद इस तरह से यहाँ पर देखिए 10-12 करके 2017 पे लिखा है, ठीक है। वो अपडेट हो जाएंगे, और उसके साथ साथ 2018 करके ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए सिंपल आपका रोल नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर देना है, देने के बाद सबमिट कर देना है, उसके बाद आप अपना रिजल्ट जो है देख सकते हैं। सो गाइस, ये रहा छोटा सा हेल्प हमारे इस चैनल के थ्रू आप लोगों के लिए, किस तरह आप अपने घर बैठे इजीली रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। अगर सच में ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ जाते जाते दोस्त के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है गाइस। एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग आवर वीडियो, एंड हैव अ गुड डे।